हाँ खोट के बताइए, जिताइएगा ना। हाँ दुआ सब, अरे उधर वाला नहीं उठा, हथवा उठा नहीं बनाओगे। हाँ सब हाथ उठाए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए आप लोगों की तरफ से हम इनका अभिनंदन। अब आप जाते ही है कितनी जगह, अब महिलाएं लड़कियां देर रात तक सब रहती है, कितना ज्यादा खुशी के साथ चारों तरफ घूम रही है। और कितनी बड़ी संख्या में गया लोग आ रहे हैं, बोध गया में क्या है, सब जगह। और चारों तरफ आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं, यहां हम कम आते रहे जी, हमेशा आते न रहे, हम लोगों का बहुत रिश्ता है आप लोगों से, आपके बीच में है। और गया का तो मान लीजिए, हम गया का तो इतना ज्यादा महत्व करते हैं, अपने बिहार में जो महत्वपूर्ण कई जगह हैं, गया बोध गया सबका महत्व देते हैं। और हर जगह हम लोग बचपन से देखते थे, अब बाद में जब भी मौका मिला है तो एक एक काम हुआ। और जब गया में लोग कहती थी कि भाई की बड़ा दिक्कत होता है, और उनके इंस्टीट्यूशन को ये लोग कहाँ चलाता था, हम लोग उनको सब कुछ सरकारी तौर पर भी दे रहे हैं, एक एक तरह से हम लोग सब काम किए हैं सबके लिए, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई जाति का हो, सबके लिए काम करते हैं, अपर कास्ट हो बैकवर्ड हो, के लिए काम नहीं करेगा वो अपने लिए काम करेगा। और हम सब लोग आपके लिए ही जीवन भर काम करते रहेंगे। तो हम लोग तो बिहार का काम और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश भर का काम और आपके लिए भी काम, और वो दो बार रहे और मुझे पूरा भरोसा है कि अगली बार भी रहेंगे, लेकिन मुझको पूरा भरोसा है कि बिहार में 40 का 40 सीट हम लोग जीते और देश भर में वो 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे, यही हम लोग को उम्मीद है। और ज्यादा देश का विकास होगा और समाज के सभी तबकों को हम भी आग्रह करेंगे कि सबका ख्याल रखते हैं और सबका ख्याल रखेंगे, किसी को भूलेंगे नहीं। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि भाई आदरणीय जीतन राम मांझी जी को विजयी बनाइए, जिताइए, हाथ उठ के बताइए, जिताइएगा ना। हाथ उठाओ सब, अरे उधर वाला नहीं उठा, हथवा उठा नहीं बनाओगे। हाँ सब हाथ उठाए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए आप लोगों की तरफ से हम इनका अभिनंदन, इनको भारी मतों से जिताइएगा। आपने हाथ उठा करके कहा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और जिताइए, बहुत अच्छा होगा। आप दिल्ली भी जाएंगे तो हमको तो पूरा भरोसा है इनको आगे का और मौका मिलेगा, इस सबकी सेवा करेंगे, उनको पूरा भरोसा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।